आज के समय में दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका को और सबसे ताकतवर आदमी अमेरिका के राष्ट्रपति को माना जाता है। पर क्या आप लोग जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले तक दुनिया का सबसे ताकतवर देश ब्रिटेन को और सबसे ताकतवर व्यक्ति ब्रिटेन के राजा को माना जाता था। और उसकी मौत के बाद जब उनकी बेटी वहाँ की रानी बनी तो उसको दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाने लगा। और समय के साथ दुनिया के ज्यादातर देश लोकतांत्रिक होने लगे, जिससे ब्रिटेन की महारानी अब बस नाम की ही महारानी बनकर रह गई है। इसके बाद भी ब्रिटेन की महारानी को बहुत सी सूचियों में दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला के साथ साथ दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में भी गिना जाता है। इतना ही नहीं, वो दुनिया की सबसे चर्चित महाशक्तियों में से एक है और शायद दुनिया की सबसे चर्चित शख्सियत भी है। 2003 तक ज्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते थे कि इंग्लैंड की महारानी के पास आखिर कितनी ताकत है या फिर वो कितनी ताकतवर है। पर 2003 में जब वहाँ की सरकार ने एक लिस्ट जारी करके ये बताया कि ब्रिटेन की सरकार महारानी के बिहाफ पर क्या क्या काम करती है और कितने काम करती है, तो पूरी दुनिया महारानी की असली ताकत को जान गई, जिसको अभी तक आम लोग नहीं जानते थे। अपने पिता की मौत के बाद 6 फरवरी 1952 को एलिजाबेथ को ब्रिटेन की महारानी चुना गया। उस समय वो केवल 26 वर्ष की थी। पर क्या आप लोग जानते हैं कि ब्रिटेन की महारानी यूनाइटेड किंगडम के अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की भी रानी है। साथ ही वो 12 देश जो उनकी रानी बनने के बाद आजाद हुए वो उनकी भी रानी है, जिसमें शामिल है जमैका, बहामास, ग्रेनेडा, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप समूह, तुबालु, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस, बेलीज, एंटीगुआ, बारमूडा, सेंट किट्स और नेविस। इतना ही नहीं, वो कॉमनवेल्थ देशों की भी हेड है, जिसमें भारत भी है। तो आप समझ सकते हैं कि वो केवल यूके की ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से देशों की आज भी रानी है, चाहे वो देश एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ही क्यों ना चुन चुके हो। वैसे तो ब्रिटेन भी एक लोकतांत्रिक देश है और वहाँ भी भारत की तरह संविधान सुप्रीम है, पर फिर भी वहाँ महारानी को ऐसी ताकतें मिली हैं जो किसी लोकतांत्रिक देश में किसी को नहीं मिलती। पहला तो महारानी संविधान से ऊपर है और उनको किसी तरह के कानून का पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि महारानी को दुनिया में किसी भी देश में जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि महारानी के पास कोई पासपोर्ट है ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन के सारे पासपोर्ट महारानी के नाम पर ही इशू किए जाते हैं। और वो ब्रिटेन की हेड ऑफिस ट्रेड भी है, जिसके कारण उनको वो सारी सुविधाएं दी जाती है जो किसी भी हेड ऑफिस ट्रेड को मिलती है। जब भी ये किसी और देश में जाती है तो उस देश को पहले से ही इन्फॉर्म किया जाता है। इतना ही नहीं, महारानी को ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस भी महारानी के नाम पर ही इशू किया जाता है। साथ ही साथ उनको अपनी गाड़ी पर नंबर प्लेट लगाने की भी कोई जरूरत नहीं। असलियत में महारानी को किसी भी तरह की किसी आईडी की भी कोई जरूरत नहीं होती। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन की महारानी को अपने टैक्स पे न करने की छूट है, पर वो ऐसा नहीं करती है, वो अपने टैक्स को पे करती है। पर ये तो महारानी की ताकत का बस एक छोटा सा नमूना है। अगर महारानी चाहे तो वो किसी भी युद्ध को शुरू और खत्म कर सकती है, यहाँ तक कि वो परमाणु युद्ध भी छेड़ सकती है। शायद दुनिया में ये बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि इंग्लैंड की महारानी वहाँ की संसद को बिना पूछे युद्ध की घोषणा कर सकती है। इतना ही नहीं, महारानी को यूके में किसी भी कानून से ऊपर माना जाता है, जिसके कारण इन पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। साथ ही साथ किसी और देश में भी उन पर ऐसा कर पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वो उस देश में ब्रिटेन के डिप्लोमेट के रूप में जाती है। इसका मतलब वो दुनिया के किसी भी देश में किसी भी तरह का कोई भी क्राइम कर दे और उन पर किसी भी तरह का कोई भी मुकदमा नहीं चलेगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि महारानी किसी भी देश या अपने देश के कानून का पालन नहीं करती, बल्कि वो अपनी छवि को लेकर बहुत केयरफुल रहती है और वो ज्यादातर नियमों का पालन करती है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में महारानी से संबंधित अगर आप कोई जानकारी पाना चाहे तो आपको वो जानकारी नहीं दी जाएगी, क्योंकि महारानी को फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन से दूर रखा गया है। महारानी के साथ साथ रॉयल फैमिली से जुड़ी कोई जानकारी पब्लिक नहीं की जाती है, जब तक कि वो खुद न चाहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन के नागरिकों को वहाँ का नागरिक नहीं बल्कि राजशाही से जुड़ा एक विषय माना जाता है। तो अगर महारानी चाहे तो वो किसी को भी गिरफ्तार करवा सकती है और अगर वो चाहे तो किसी की प्रॉपर्टी को सीज भी करवा सकती है, जिसको क्राउन के अंदर ले लिया जाएगा। शायद आपको न पता हो, पर ब्रिटेन के सारे समुद्री तटों पर महारानी का अधिकार है और अगर कोई नाव वहाँ पर पाई जाए तो वो महारानी की मानी जाती है। इतना ही नहीं, वहाँ पर समुद्र किनारों पर पाई जाने वाली सारी वेल्स, डॉल्फिन्स पर महारानी का अधिकार है। महारानी को किसी को भी सजा देने का अधिकार है
और कोई भी उसको पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर कोई महारानी के खिलाफ करना भी चाहे, वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि महारानी कानून और संविधान से ऊपर है। इतना ही नहीं, अगर ब्रिटेन की सरकार, प्राइम मिनिस्टर या संसद महारानी को रोकना चाहे या फिर उनकी ताकत में कुछ कमी करना चाहे, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि महारानी बिना किसी की राय के संसद को भंग कर सकती है और प्राइम मिनिस्टर को हटाकर अपनी मर्जी से किसी को भी नया प्राइम मिनिस्टर बना सकती है। महारानी के बहुत से कर्तव्य में से एक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चुनना भी है। वैसे तो ये एक लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया के तहत होता है, पर फिर भी आखिरी मोहर महारानी की ही लगती है। वो किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकती है, चाहे उसको जनता ने चुना हो या नहीं। इतना ही नहीं, अगर महारानी को जनता द्वारा चुने संसद पसंद न आए, तो वो उनको हटा सकती है और वो चाहे तो संसद को भंग भी कर सकती है, जब तक कि उनको अपने पसंद की संसद न मिले। और महारानी ऐसी ताकतों का दुरुपयोग नहीं करती, क्योंकि उससे उनकी छवि एक तानाशाही की हो जाएगी। फिर भी उनकी ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वैसे आप सोच रहे होंगे कि महारानी के पास इतनी ताकत आती कहां से है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि महारानी ब्रिटिश आर्मी की कमांडर चीफ है और वहां का हर एक सैनिक क्राउन की सेवा करने की कसम खाता है और किसी भी चीज की नहीं। महारानी चर्च ऑफ इंग्लैंड की भी हेड है और उनके पास आर्च बिशप को भी नियुक्त करने की ताकत भी है। ऐसे बहुत से फैसले जो चर्च से जुड़े होते हैं, महारानी ही लेती है। महारानी के पास इतनी ताकत होने के बाद भी उन्होंने आज तक कुछ ऐसा नहीं किया जो उनकी इमेज को पब्लिक में खराब करे। ये ताकतें महारानी को उस समय के लिए मिली है जब सब कुछ हाथ से निकल जाए और किसी के बस में कुछ न रहे। महारानी कभी भी पॉलिटिक्स से सीधे रुख से नहीं जुड़ी होती, और कोई भी प्रधानमंत्री हो, उनके बहुत से फैसलों के पीछे महारानी का हाथ ही होता है। और किसी भी देश के साथ ब्रिटेन के कैसे संबंध होंगे, ये महारानी की बेहतरीन छवि के दम पर ही तय किया जाता है। असलियत में ब्रिटेन की महारानी और शाही परिवार की असली ताकत यही है कि वो अपने विचार को कभी भी सोशल नहीं होने देते हैं और न ही वो किसी राजनीतिक इवेंट से सीधे जुड़े होते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।